आज हम देख सकते हैं रोटरी क्लब, रोटरी क्लब वाले गुड बाय पोलियो, गुड बाय पोलियो करने के लिए कई बच्चे जो हर कोई एक बैनर ले रखे हैं, जो पंपलेट लिखा है आई वांट टू एंड पोलियो, आइए लिख के मिलते हैं कुछ लोगों से। आइए मिलते हैं रोटरी क्लब के कई कार्यकर्ता हैं, तो क्या कहते हैं आप लोगों को सुनाते हैं। रुकिए सर, आपका नाम? सुनील अग्रवाल। सुनील अग्रवाल, ये रोटरी जो पीछे में। हाँ, गुड बाय जो पोलियो किया जा रहा है इसके बारे में बताइए। ये कैंपेन है, सिग्नेचर कैंपेन है, ये पोलियो को पूरे विश्व से हटाना है इसको। और ये कैंपेन जो है अप्रैल सब जगह खत्म हो गया है, अपने हिंदुस्तान से तो पूरा उठ गया है, पूरे विश्व से हटाने के लिए ये कैंपेन चल रहा है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो रोटरी क्लब को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, उनकी शुरुआत उनकी मेहनत से पोलियो यहाँ से गायब हो चुका है। कुछ लोगों से मिलेंगे। हाँ, आपका नाम बताओ? अरुण कुमार बोल रहे हैं। आपका? रजत कुमार महापात्र। तो रजत, वो आज पोलियो के बारे आप लोग सुबह से आ चुके हैं, इसके बारे में बताएंगे, क्या बोलना चाहते हैं? पोलियो को सर हटना चाहते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगा? आपका नाम बोलो। संजय मित्तल। आज देखिए, हम संजय बाबू खुद अपने हाथों से बच्चों को सिंगाड़ा चॉकलेट हर कुछ दे रहे हैं। थैंक यू। हाँ, तो आइए रजत संजय बाबू, आप भी रोटरी क्लब के मेंबर बन चुके हैं, आज इसके बारे में बताएंगे। क्लब हमारा बहुत उन्नति कर रहा है, हम इसके बारे में आगे बढ़ रहे हैं। क्लब को हमारा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, बढ़िया है। हाँ सर, आज हम एक्टिव मेंबर रोटरी के लिए हमेशा लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। तो जो सर आज रोटरी क्लब वाले गुड बाय पोलियो कर रहे हैं, एंडो पोलियो आपकी शुरुआत से ही हुआ है, तो हम तो ये रोटरी शुरू से इस कार्यक्रम में लगा हुआ है कि पूरे विश्व से पूरे पृथ्वी से पोलियो वायरस का उन्मूलन हो, बच्चे पोलियो से ग्रसित ना हो, इसके लिए रोटरी काम कर रहा है। और आज ये जो हम मेगा सिग्नेचर कैंपेन एक बड़े रूप में एक हस्ताक्षर अभियान जो चला रहे हैं, इसका उद्देश्य और मैसेज हम देना चाह रहे हैं दुनिया को, रोटरी ने ये काम किया है। और आखिरी बच्चा जो पोलियो से ग्रसित होता होगा तब तक हम ये लड़ाई लड़ेंगे, पूरे दुनिया से हम पोलियो का वायरस को दूर करेंगे, ये संदेश है रोटरी का। धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बोला जी, मैं अभी